नंबर 15 देखिए, कह रहा है 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्त शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 355 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और आधार की परिधि भी ज्ञात करनी है, जहां पाई की जगह में क्या यूज करना है 355 बटा में 113। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा ऊंचाई क्या है H है, ठीक है। ऊंचाई की जरूरत तो अभी नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया। अच्छा, आधार की त्रिज्या कितनी है, तो वो है 11.3 सेंटीमीटर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर में 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के जगह पर हमें क्या रखना है, तो यह रखना है 355 बटा में 113, और आर का मान है 11.3, और एल नहीं दिया है, एल हमें निकालना है, बराबर में 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L बराबर हो जाएगा 355 गुना में 113 और बटा में 355, ठीक है, और गुना में 11.3। इससे ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहां से L का मान निकल जाएगा, L का मान 10 आ जाएगा, L बराबर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए, L तो निकल गया, अब क्या निकालना है, तो आगे कह रहा था आधार की परिधि। तो आधार की परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, तो आपको पता ही है त्रिज्या कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु के आधार की परिधि। तो आधार आपका वृत्ताकार होता है ना जी, आधार की परिधि, तो आधार की परिधि क्या हो जाएगी 2πr। तो 2 पाई के जगह पे वही क्या लिखना है 355 बटा में 113 ना, 355 बटा में 113, और r का मान यहाँ पर है 11.3, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसको ये काटेंगे 10 बार में, 10 से ये 5 से काटते हैं, 5 दुना 10, और 5 से इसको काटते हैं तो 5 7 35, और 5 एकम 5, 2 से ये आपका 2 कट गया, यानी कि 71 सेंटीमीटर इसका आधार की परिधि हो गई। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला